नमस्कार, आप देख रहे हैं डोंट बी ब्लाइंड इंडिया। मोहम्मद सिराज को गालियों पर बीसीसीआई अधिकारी का खुलासा, उसे ब्राउन डॉग बिग मंकी कहा गया। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी के दौरान मोहम्मद सिराज को ऑस्ट्रेलिया के कुछ दर्शकों के काफी अपशब्द कहे गए। उन्होंने नस्लीय अपशब्दों का इस्तेमाल किया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बीसीसीआई के एक अधिकारी के हवाले से कहा कि सिराज के लिए ब्राउन डॉग यानी कि भूरा कुत्ता और बिग मंकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा है कि सिराज के साथ ही बुमराह को भी अपशब्द कहे गए। सिराज को जो शब्द कहे गए वो नस्लीय गालियां हैं। कुछ दर्शक लगातार गालियां दिए जा रहे थे। इस मामले को फौरन मैदानी अंपायरों की जानकारी में लाया गया। इसके बाद मैच रेफरी डेविड बून को भी इस बारे में बताया गया। 10 जनवरी को सिडनी टेस्ट के चौथे दिन दूसरे सत्र के दौरान भारतीय खिलाड़ी मैदान के बीच एकत्रित हो गए, जब स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खड़े सिराज ने अपशब्द कहे जाने की शिकायत की। करीब 10 मिनट तक इस वजह से मैच रुका रहा। इससे पहले सिराज के ओवर में कैमरन ग्रिम ने लगातार 2 छक्के जड़े थे। इसके बाद सुरक्षाकर्मी दर्शक धीगरा में गए और अपशब्द कहने वाले व्यक्ति को ढूंढने लगे और फिर दर्शकों के एक समूह को स्टैंड से जाने को कहा गया। अंपायरों को भी इस दौरान खिलाड़ियों से बात करते देखा गया। खिलाड़ियों की तरफ हालांकि कोई चीज नहीं फेंकी गई, लेकिन बावजूद इसके मोहम्मद सिराज के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया है, इसके बाद से पूरी तरह से ट्विटर पर खिलाड़ियों के ट्वीट की बाढ़ आ चुकी है और हर खिलाड़ी भारत का, फिर वो चाहे पूर्व खिलाड़ी हो या फिर कोई इस टाइम का करंट का खिलाड़ी हो, हर खिलाड़ी ये कह रहा है कि उनके साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार हो चुका है और ये रियल में बेहद ही गलत है और इसके खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत ही अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।